पर फिर ऐसा मुझे बहुत जज कर लिया जाएगा बट आई एम एन एक्टर हु गॉट वेरी वेरी लकी हमारा ना शो तीन भागों में डिवाइडेड होता था वैसे बचपन अडल्टुड एंड देन अर्ली अडल्टुड एंड अडल्टुड लेकिन आप हमारे शो पे आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट आर्टिस्ट बचपन कैसा था आपका क्योंकि कई सारी चीज़ें जो फेमिनिज्म की हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैन वेमेन जेंडर हमें उस समय पे बहुत विविडली या तो बता दिया जाता है

ए कोई लड़का नहीं था मेरे साथ ग्रोइंग अप दैर वॉज नो अदर चाइल्ड सो आई वुडेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि लड़कों को कैसे बड़ा करते हैं लड़कियों को कैसे बड़ा करते हैं बट आई हैड सो मेनी वेमेन अराउंड मी मतलब आई विज फ्रेंड्स विद मोहल्ले में जो भाभी भी रहती हैं जो चाची भी रहती हैं उनकी बच्चियाँ उनके दोस्त सो इट वॉज लाइक अ मिक्स ग्रुप ऑफ पीपल आई वुड सिट नेक्स्ट टू माई नानी एंड आई शू लव गॉसिप इवन एट दैट टाइम द अंडरस्टैंडिंग that a man is supposed to be like this and a woman is supposed to be like that came in very fast you know ki a man is here and a woman is slightly lower like that's how it's supposed to function thankfully it didn't affect me yaar to fir chote shahar ki parvarish ya chote shahar ki restrictions koi hui you are in a bubble तो आप बबल में ही ऑपरेट करते हो आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे जाना होता है तो वो रोकेंगे भी नहीं ना मतलब यू आर हैप्पी यू आर लिविंग इन थिंगस चेंड बट माई मदर डोट मतलब यहाँ जाना है जाओ दोस्त यहाँ चले जाओ पार्टी करने जाना है जाओ चले जाओ टाइमिंग एक टाइम तक था hmm. like, push it and see क्या होता है कुछ नहीं हुआ like, push it more and see क्या होता है फिर मैं एक पूरी रात घर नहीं आई और फिर काफी कुछ हुआ But I think that would happen with anybody. else. When I started actually growing up in UP before I moved to my boarding school, तब थोड़ा होने लगा था कि लड़कियों कैसे भाग रही हो। But it didn't strike me at that time because और कोई restrictions नहीं थे। hmm. Later I realized, oh, that's what they meant. Oh, okay, that was the problem. But यार तो boarding school आपने mention किया। Boarding school में आपकी female friendships, क्योंकि हम female friendships को बड़ा celebrate करते हैं। Yeah, we must. Why would? Why should be? It's very complex, you know. You can be really vulnerable with your female friends. You can be your most honest self only with your female friends. Really? Really. I have very, very close guy friends. And actually, I have more guy friends than female friends. But the kind of fun that I have with my female friends, you can't match it. But you know, on this, I also want to tell you I had a teacher, uh, I mean, he's still around, Mr. Ovi again. He was. एवरीबडीज़ फेवरेट बिकॉज ही वॉज़ एन एक्स स्टूडेंट बांस में वो पढ़े थे वापस आके उन्होंने वहीं हिस्ट्री और आई थिंक इंग्लिश सिखाते थे एंड वी यूज़ टू लव हिम वी वर अपसे बॉयज गर्ल्स एवरीबडी तो उन्होंने एक दिन मुझे अपने ऑफिस में बुलाया ही सेड तुम्हारे लड़के दोस्त कौन कौन से हैं मैंने कहा ये 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 ही सैड और तुम्हें लगता है वो तुम्हारे दोस्त हैं

I said, I can't say it. I can't say it. She said, tell me what is it. And I said, you know, they said, save water. I have bath with Rukhsar's daughter. And she's let out the loudest laughter. And suddenly I was like, kya? Ye, ye funny tha. She said, listen, that's very creative. Whoever this person is, you tell them that my mother thinks that's very creative and all. And suddenly, my coins are done. Call end. Ho now I can't call her till tomorrow in the evening. And I was like, oh, sweet. It was funny. Why why was was I I thinking it it so So bad? Jab hui hai, my mother's literally been there to take all of that away and balance it out. out so that's why I think I've turned out little okay. Bullying गलत है। और अगर तो आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आप उसे मिटा सकते हैं आई थिंक कई बार हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम एक मजाक का हिस्सा होके भी गलत yeah. है yeah. यार मेरे को लगा जब की बात करोगी आप तब तो शायद सेपरेशन एंड पेरेंट्स की वाली बात को कोई कुछ किया होगा। यार हम बोर्डिंग स्कूल में थे जब मैं बोर्डिंग स्कूल गई तो आई 98% ऑफ़ द द गर्ल्स गर्ल्स कम फ्रॉम फैमिलीज। इट वाज़ टू सिस्टर्स एंड पेरेंट्स वर इन लव एंड टुगेदर और वो साथ में आते थे और हम ऐसे उन्हें देखते थे कि ये भी होता है ये इतना जीव बता हम पूछते पूछते थे पूछते भी थे उनसे कि टुगेदर फर्स्ट मैरिज ओह सो इट जस्ट इट जस्ट एंड इट वे यार कभी भी ऐसा हुआ क्या कि आपके रिलीजियस टीचिंग्स आपके कभी आड़े आए किसी भी रिलेशनशिप के नॉट एट ऑल आई एम टेलिंग वेरी लकी इट्स

डूएबल वेरी नाइस है कई बार अच्छाई को भी दर्शाना बहुत जरूरी होता है तो वो बहुत हेल्प करता है बट फिर वेन ऑज द स्टेप वॉक इन लाइफ बिकॉज दैट रिलेशनशिप इज आई नीवर है ऑन द शो ऑन मेल फैमिली जिनके साथ हमने ये बात कर कर पाए हैं सो आई थिंक आई वॉज अराउंड टेन ईयर्स ओल्डर दिव इन टुगेदर फॉर अ वाइल्ड और जब मैं एट्थ स्टैंडर्ड में thi to unhone shaadi kari और मेरे स्कूल को लेटर गया था कि आयशा हैज टू कम होम अर्जेंटली फॉर सम वर्क और सब मुझसे पूछ रहे हैं ये क्या सम वर्क है ना क्या सी मेरी मम्मी की शादी है मैं जा रही हूँ सो दैट वाज अ जोक एंड आई नो नेम ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बी नाइस टू मी बट मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी मम्मी को मुझसे दूर लेके जाने वाले हैं बट ही वॉज सो नाइस सो आई वुड की फीलिंग बैड ऑल्सो यू टेक मी स्विमिंग टेक मी आउट टू रेस्टोरेंट्स गेट मी लाइक चॉकलेट्स एंड लाइक proper all right things you know and then we had a bad phase in between when i turn, I, I i was a teenager at that time i had come to uh, bombay i had started living here proper rebel phase was going on we had a fallout i decided i will not talk to him like you know how can he's not my father like yeah. proper typical that way but i'd really miss him because like i was like okay everything that he's taught me and everything that we talk about Is not a typical father-daughter relationship. He treats me like an equal. He's treated me like an equal since I was 11 years old. Then we like sort of became friends again. And even now, like uh, it's it's great because mummy aur meri ladai hoti hai Like I wanted to move out of the house, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। And my mom was like, you will move out of the house? वो तो शादी के बाद होता है ना? मामा तो इस very cool, but शिरاز ने मना किया कि मैं नहीं जा सकती।

Nice. So hello Farooq, we've never met, but kudos, good, good <laughs> stuff. And Dadi. Yes. <laughs> good stuff. Yeah, uh, two things you said. The the whole like sex hooks wala scene and the preggers scare. You've had a preggers scare. I have. I have. Yeah. Was what was that like? That was uh... If you want to talk. No, no, of course I can and I want to talk about it क्योंकि कोई नहीं करता बात क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या करना है और मुझे ऐसा लगा कि यार किसी ने मुझे बोला क्यों नहीं ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है सरप्राइजिंगली आई वॉज नॉट स्केड एट ऑल आई वॉज लेट आई वॉज लेट एंड आई लाइक अच्छा क्या क्या करते हैं यू गेट अस टेक कैन यू पी ऑन इट बट आई वॉज ऑल्सो यंग आई वॉज लाइक आई थिंक ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो अभी मेडिकल पे जाऊंगी पूछूंगी एम्बेसमेंट होगा एस इट इन नो वॉट एम कॉलिंग माई गाइनाक आम गोन गो एंड सी वेन टू हो श्री सर ओके वी हैव टू डू है सोनोग्राफी शी लाइक आई डोंट सी एनी थिंग कम बैक आफ्टर फ्यू डेज टर्ंस आउट आई वॉज गोइंग आई हैड अ सिस्ट इन माई ओवर एंड आई मेडअ अप इन माई हेड बट अगर किसी ने मुझे मुझसे इस बारे में बात की होती कि ओके बायोलॉजी क्लास में अगर मजाक उड़वाने के अलावा

Thankfully, I have not come across that, but I've heard of those stories. I had a cyst that ruptured and I was hospitalized. Oh my God. You know, and I didn't know what was happening to me because. Uh, Ooh, uh, yeah, who will I, tell you? How will who you know? will tell me? I didn't go for regular checkups with the Gainak. After that, my Gainak told me, You have to come every year, come once in six months. But I said, But my periods are fine. Like, why do I have to come? She said, Yehuana. So you have to come. And I was like, Nobody told me.

And I didn't know what to say. I was like, my normal self looks like there's something wrong with me. And then ever since then, it just kept becoming bigger and bigger and bigger. So I oversized clothes and then I made it my thing. But it's not because it's fashion. It was literally because every time you walk out of the house or you meet someone, you're told, Are you're looking like this. Are you're looking like that. Is it difficult to, to be in this in a close setting with a co-star who you know as a friend and you have to do anything intimate at all?

you will get on a dozen workshop here and by the end of it we realized okay we didn't know a lot about each other what he's not comfortable i'm not comfortable. i also didn't know it oh yes yeah. process In things like i don't like touched being uh, i don't like being touched on my calves i didn't know that i was like oh these things and he wasn't touching me like i was touched it was an exercise where you touch yes. your body parts body mapping yes so in the camera test we kissed and we went back

जो होने वाला है तुम्हें तो पता भी नहीं है तो अभी जो हो यू आर वेरी स्मार्ट आफ्टर दिस लिटिल बिट बट राइट एवरी थिंग दैट यू थिंक यू नो इज एब्सोल्यूटली राइट तो आयशा आपके लिए फेमिनिज्म क्या है एक टाइम था जब फेमिनिज्म वर्ड फेमस हो गया एंड एवरीबडीज हैड़के कहते थे अरे तू तो फेमिनिस्ट टाइप की अरे फेमिनिज्म ओवर टॉपिकेमिज तो आई सेल वेट एवरी थिंग दैट फेमिनिजम मींस इट मींस इक्वालिटी इट मींस द सेम चांस इज ऑन ऑल ऑफ़ दट उसमें तो मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बड़ा किया है आई थिंक आई वॉज एटीन और नाइनटीन आई सॉ कल्कीज़ विडियो वे शी सेट द टर्म फेमिनिजम हैज़ बीन बास्टराइज सो मच दैट नो गर्ल वॉन्ट्स टू असोसिएट हर सेल्फ विद इट एंड दैट विडियो स्पोक टू मी सो मच दैन आई या इट इज़ नॉट अ बेड टर्म आई सॉ हर वीडियो and i was like yeah it has been used in such ways and it's been put down so much and ever since then i was like dude you can call it whatever that's the only normal way of living i know yeah yaar to ye batao what should men stop telling women just stop telling women what they need to do ke कैसे कपड़े पहनने हैं कितना मेकअप लगाना है कहाँ जाना है किसके साथ जाना है अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है I know you're आर अ वेरी

Then I go to them with an issue, which is probably too intimate for me, or uh, only I could talk to a girl about it. they and then I also see them apply it with the girls they're with, you know. And then I'll be like, yes, better humans, better humans. You know, they will suddenly. I'm sitting with a friend of mine, and he's sitting with his girlfriend, and suddenly he goes, oh, did you go for your like gynac checkup? Oh, what did she say? Oh, what's happening?

This is good. But thank you so much. Thank you so much. Can I give you a hug? Yes, please. Okay. <laughs> See, that's consent. <insane>. Oh yes. <laughs> thank you.